हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ज़िला चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमटी फोल्डर कैसे डिलीट करते हैं एंड्रॉयड फोन में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है, एमटी फोल्डर क्लीनर। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे इसको डिलीट एमटी फोल्डर पे प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए फोल्डर डिलीट हो रहे हैं, डिलीटेड 59 एमटी फोल्डर्स। इस तरह से आपके एमटी फोल्डर डिलीट होते हैं एंड्रॉयड फोन में। एक और बार करके देखते हैं दोस्तों, फिर से दो एमटी फोल्डर डिलीट हो गए हैं। अभी यहां आपको बता रहा है डिलीटेड 0 एमटी फोल्डर। तो आज के वीडियो में इतना काफी है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले माय ज़िला चैनल को।